नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं द अनफोल्ड ट्रुथ। महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार और कोरोना महामारी जैसे तमाम मुद्दों के बावजूद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने में सफल हो गई और ऐसी वैसी जीत नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रही है ऐसा दिख रहा है। याद कि लखीमपुर और हाथरस जैसी जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। क्या है इसका कारण, कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाई, चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का एक बड़ा कारण माना जा सकता है बसपा को, बसपा का अघोषित साथ। दरअसल बसपा ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो सपा के उम्मीदवारों के ही जाति के थे। इसमें से 91 मुस्लिम बहुल और 15 यादव बहुल सीटें थी। ये ऐसी सीटें थी जिनमें सपा की जीत की बहुत बड़ी संभावना थी। इन 122 में से 64 से अधिक सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, यहाँ हार जीत का मार्जिन भी कम ही रहने वाला है। बाकी बीजेपी का हिंदू वोट का पोलराइजेशन इस बार भी काम कर गया। लगातार हर चीज को हिंदुत्व से जोड़ा गया। इसकी शुरुआत पहले चरण में अमित शाह ने कैराना से कर दी थी और आखिरी चरण में मोदी काशी में जिस तरह 3 दिन रुके उससे ये साबित हो गया, वो साबित करने में सफल हो पाए कि वो हिंदुओं के शुभचिंतक हैं, हिंदुत्व के शुभचिंतक हैं। यही कारण है कि मुसलमानों के वोट नहीं मिलने के बावजूद रुझानों में भाजपा का वोट शेयर 42% है, यानी कि पिछली बार 29% से भी 3% अधिक। वहीं बसपा का 12.7% वोट शेयर दिख रहा है जो कि पिछली बार के वोट शेयर से 22.9 से 10% कम है। इसका साफ मतलब यह है कि हिंदू दलित मायावती का जो वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, वो इस बार बड़ी संख्या में भाजपा में शिफ्ट हो गया। हार जीत के कयासों के बीच भाजपा को अगर सबसे अधिक विश्वास था तो वो था अपने 15 करोड़ लाभार्थियों पर। लाभार्थियों को महीने में 2 बार राशन दिया गया, अनाज दिया गया, तेल दिया गया और इसमें नमक भी शामिल था। जिस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा था उस वक्त भाजपा ये संदेश देने में सफल हो गई कि नमक का जो कर्ज है वो चुकाना है। ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था और काफी हद तक इसका प्रभाव रिजल्ट पर भी पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि किसान और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का क्या हुआ? तो जितना विपक्ष को उम्मीद थी ये मुद्दे उतना काम नहीं कर पाए और उतना असर नहीं हुआ। यूपी के लखीमपुर में जहां केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप था, वहां भी भाजपा 8 में से 7 सीटों पर आ गए। यानी कि अगर साफ तौर पर कहा जाए तो यूपी की जनता के लिए अभी भी मुद्दों से बड़ा धर्म है और यूपी की जनता ने धर्म को आज भी आगे रखा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रह सके हर खबर से अपडेट।